नमस्कार दोस्तों, अपच, इनडाइजेशन, गैस, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की समस्या बहुत ज़्यादा आम है और हम सभी को कभी ना कभी ये प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। जब हम कभी बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हमें गैस बन जाती है, हमें एसिडिटी की समस्या हो जाती है और किसी किसी को तो ये क्रॉनिक समस्या होती है, काफ़ी सालों से उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है। ऐसे पेशेंट्स, ऐसे लोग बहुत सारे टॉनिक यूज़ करते हैं, डाइजेस्टिव टॉनिक यूज़ करते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन आज मैं आपको होम्योपैथिक डाइजेस्टिव टॉनिक के बारे में जानकारी दूंगा और टॉप थ्री होम्योपैथिक डाइजेस्टिव टॉनिक के बारे में आप सभी को बताऊंगा जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी और पेट संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तीनों टॉनिक बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं इनडाइजेशन के लिए, गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, अपच के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए और पेट संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आईबीएस की प्रॉब्लम होती है या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है या और जो बीमारियां होती हैं पेट संबंधित, स्टमक संबंधित, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टॉनिक हैं, होम्योपैथिक टॉनिक है। इन तीनों टॉनिक में होम्योपैथिक मेडिसिंस मिली हुई हैं। सबसे पहले मैं डाइजेक्स से शुरुआत करता हूं। दोस्तों, डाइजेक्स सिरप बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एडविन कंपनी की ये सिरप है और 100 ml में ये आती है। सबसे पहले जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस मिली हुई हैं, उसके बाद मैं इसको पीने का तरीका बताऊँगा और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा और सबसे लास्ट में बताऊँगा कि ये कितने की मिलती है और आपको कहाँ पर मिलेगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस मिली हुई हैं। सबसे पहली मेडिसिन है पिपर नाइग्रम। दोस्तों, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो पिपर नाइग्रम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है नक्स वोमिका। आप सभी जानते हैं नक्स वोमिका के बारे में, ये कितनी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डाइजेशन के लिए। तो अगर आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, अगर आपको पेट फूलता है, अगर आपको भूख नहीं लगती, पेट साफ़ नहीं होता, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो नक्स वोमिका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों तीसरी मेडिसिन है थायमस। दोस्तों, थायमस गैस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। चौथी मेडिसिन है एसाफोटिडा, मतलब हींग, और हींग बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है गैस के लिए और एसिडिटी के लिए, डाइजेशन के लिए भी। उसके बाद इसमें हाइड्रास्टिस डली हुई है। दोस्तों, हाइड्रास्टिस, अगर मल में म्यूकस आता है तो हाइड्रास्टिस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है तो हाइड्रास्टिस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है तो हाइड्रास्टिस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एक मेडिसिन इसमें डली हुई है लाइकोपोडियम। दोस्तों, लाइकोपोडियम अगर पेट फूलता है, गैस बनती है, शाम के टाइम ज़्यादा होता है, ज़्यादा आपका पेट फूलता है, तो लाइकोपोडियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एक मेडिसिन इसमें कोरिएंडरम सेटाइवा डली हुई है। दोस्तों, कोरिएंडरम सेटाइवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है गैस के लिए। लास्ट में इसमें कार्बोवेज डली हुई है जो कि गैस, एसिडिटी और ख़ासकर डकार अगर आपको ज़्यादा आती है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये सब मेडिसिन इस डाइजेक्स सिरप में डली हुई है जो कि एडविन कंपनी की है। दोस्तों, अब चलते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे डोजेस, एडल्ट्स को लगभग 10 ml लेना है दिन में 3 बार। तो अगर आप बड़े हैं तो 10 ml दिन में 3 बार लीजिए। अगर आप बच्चे हैं, मतलब लगभग आपकी उम्र 10 साल से लेकर 5 साल के बीच की है, तो 5 ml दिन में 3 बार यूज़ करिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों ये। तो लगभग 10 ml दिन में 3 बार बड़ों के लिए और बच्चों के लिए 5 ml दिन में 3 बार। अब चलते हैं मेरे ओपिनियन की तरफ। तो मैं अपने क्लिनिक में ये डाइजेक्स सिरप बहुत ज़्यादा अपने पेशेंट्स को देता हूँ। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और लगभग हर दिन कम से कम 2 या 3 सिरप पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करता हूँ। तो हर दिन लगभग मान के चलिए कि 10 से 12 डाइजेशन से रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं जिनको एसिडिटी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है या गैस या अपच की। तो उनमें से 3 या 4 पेशेंट को मैं ये डाइजेक्स सिरप देता ही हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, आपको यूज़ करना चाहिए अगर आपको डाइजेशन, इनडाइजेशन या अपच, कब्जियत, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। या आप ऐसे ही घर में रख सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, पार्टी शार्टी
कर लेते हैं, उसके बाद आपका पेट फूल जाता है, तो ये पी सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे ही नॉर्मल एसिडिटी जो बनती है, एक्यूट एसिडिटी बोल सकते हैं उसको, तो उसके लिए आप ये मेडिसिन डाइजेक्स यूज़ करिए, जैसे मैंने बताया है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो लास्ट में दोस्तों, ये 90 रुपीज़ की आपको होम्योपैथिक शॉप में मिल जाएगी। दूसरी मेडिसिन है डाइजेस्टो टॉनिक बाय हैश लैब। दोस्तों, डाइजेस्टो टॉनिक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इनडाइजेशन के लिए। अगर आपके बच्चों को भूख नहीं लगती है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपको भूख नहीं लगती है या आपके बच्चों को भूख नहीं लगती है तो ये डाइजेस्टो टॉनिक आप पिला सकते हैं। अगर आपको गैस की समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको डकारे आती हैं, तो डाइजेस्टो टॉनिक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे देता हूँ, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, काफ़ी पहले का वो वीडियो है। तो सबसे पहले जानेंगे इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई हैं, उसके बाद मैं इसको पीने का तरीका बताऊंगा, लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा, और ये कहां पर आपको मिलेगी, कितने रुपीस की मिलेगी और कैसी है ये आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस मिली हुई हैं। सबसे पहली मेडिसिन है नक्स वोमिका, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी मेडिसिन है चाइना। अगर आपका पेट फूल जाता है और पेट के बीचों बीच आपको गैस ज़्यादा बनती है, साथ में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है और खून की कमी है, तो चाइना बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन है हाइड्रास्टिस, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। चौथी मेडिसिन कार्बोवेज के बारे में भी बता चुका हूँ। पांचवी मेडिसिन है जिंजीबर्ग ऑफिसिनेलिस, मतलब अदरक, और अदरक आप अगर गैस बनती है ऐसे ही खा लेते हैं तो गैस में राहत मिल जाती है, एसिडिटी में राहत मिल जाती है। तो कभी आपको गैस बने, कोई मेडिसिन ना हो, तो अदरक को हल्का सा भूंजिए और मुंह में डाल लीजिए, चूसते रहिए, गैस तुरंत ठीक हो जाएगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो अदरक एसिडिटी, इनडाइजेशन, गैस की समस्या के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। उसके बाद इसमें नेट्रम कार्ब डली हुई है। दोस्तों, गैस के कारण अगर सिर चढ़ जाता है, सिर में दर्द होने लगता है, तो नेट्रम कार्ब बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और गैस के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, एसिडिटी के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एक मेडिसिन इसमें ऑलियम सेंटलम डली हुई है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है गैस के लिए, इनडाइजेशन के लिए, और ख़ासकर अपच जो होती है आपको बार बार, उसके लिए लाइकोपोडियम, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो लाइकोपोडियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिंस होती हैं। अगर आप हमेशा मेंटल वर्क करें और फिज़िकल वर्क कम करें, मतलब आपका चलना फिरना कम हो, सिर्फ मानसिक तनाव ज़्यादा लेते हों, और मानसिक तनाव स्ट्रेस के कारण अगर आपको गैस ज़्यादा बनती है, तो लाइकोपोडियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एलियम सेटाइवम, दोस्तों एलियम सेटाइवम अगर एसिडिटी बनती है और बिल्कुल पेट जो है वो जलता है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और एक मेडिसिन है मेंथा, तो ये ठंडक प्रोड्यूस करती है, एसिडिटी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों, ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन इस डाइजेस्टो टॉनिक में डली हुई। अब चलते हैं इसको लेना कैसे है। तो डोजेज में लिखा है एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, तो फिजिशियन मैं हूँ, आपको बता देता हूँ। तो बड़ों को लगभग 10 ml दिन में 3 बार लेना है, और बच्चों को लगभग 5 ml दिन में 3 बार लेना है। दोस्तों, इसको आप पानी के साथ लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो लगभग आधा कप पानी ले लीजिएगा, उसमें 10 ml डाल लीजिएगा, सुबह एक बार पीजिएगा, दोपहर में एक बार पीजिएगा, और शाम को एक बार पीजिएगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है इनडाइजेशन के लिए, अपच के लिए, स्टमक डिसऑर्डर्स के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा सोर इरेक्शंस होते हैं, मतलब डकारे आती हैं और बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा सा लगता है, पेट फूला रहता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कब्जियत की प्रॉब्लम है, चेस्ट में बर्निंग होती है, और साथ ही साथ स्टमक रिलेटेड और प्रॉब्लम्स होती है, और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मैं अपने क्लिनिक में बहुत ज़्यादा इसको भी प्रिस्क्राइब करता हूँ, काफ़ी सारे पेशेंट्स को इसको भी देता हूँ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये होम्योपैथिक शॉप में सबसे ज़्यादा बिकने वाली डाइजेस्टिव टॉनिक है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यही डाइजेस्टो टॉनिक बिकती है। तो दोस्तों, ये डाइजेस्टो टॉनिक 90 रुपीज़ की है, 90 रुपये की है, और 115 ml की है, तो ये थोड़ी सी सस्ती भी है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। तीसरी मेडिसिन है डाइजेस्टर डाइजेस्टिव टॉनिक बाय शॉबे। ये बिल्कुल नई टॉनिक है और अभी अभी इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन मैं अभी अभी लगभग 1-2 महीने से ये अपने पेशेंट्स को दे रहा हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स डाइजेस्टर के मिल रहे हैं, तो फिर मैंने इसको इंक्लूड किया है इन दोनों टॉनिक के साथ। बहुत ही इफ़ेक्टिव डाइजेस्टिव टॉनिक है। अगर आपको हमेशा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन इनडाइजेशन से संबंधित
प्रॉब्लम्स होती हैं तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इस डाइजेस्टिव टॉनिक में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई हैं, उसके बाद मैं इसको पीने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको पीना है, और सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये कितने इफ़ेक्टिव है और कहां पर आपको मिलेगी, कितनी इसकी प्राइसिंग है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई हैं। सबसे पहली मेडिसिन है फोनिकुलम वल्गेरे। दोस्तों फोनिकुलम वल्गेरे बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डाइजेशन के लिए, इनडाइजेशन के लिए, एसिडिटी के लिए, खासकर कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों इसमें मेंथा डली हुई है जो कि एसिडिटी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नक्स मॉस्केटा डली हुई है जो एसिडिटी, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसमें जिंजीबर्ग डली हुई है जो कि आपको पता ही है कि एसिडिटी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एसाफोटिडा डली हुई है, ये भी एसिडिटी, डाइजेशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों इसमें कैरम क्रेवी मदर टिंचर डली हुई है जो कि इनडाइजेशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसमें अर्जुना मदर टिंचर डली हुई है जो ना सिर्फ इनडाइजेशन, एसिडिटी के लिए इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये सब होम्योपैथिक मेडिसिन इस डाइजेस्टिव टॉनिक में डली हुई हैं। दोस्तों ये डाइजेस्टिव टॉनिक आपको लेना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डोजेज आप पढ़ पा रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लिए हैं या बाहर पार्टी वगैरह में पार्टी शार्टी कर लिए हैं और उसके बाद पेट फूल गया है, तो लगभग आधा चम्मच या आधा ढक्कन आपको हर एक घंटे में पीना है। तो दो तीन बार एक एक घंटे में आप लेंगे तो आपको गैस की समस्या या पेट फूला हुआ है वो ठीक हो जाएगी और गैस पास होने लगेगी, और साथ ही साथ आपको डाइजेशन की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। अब चलते हैं, अगर आपको क्रॉनिक एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हमेशा गैस संबंधित प्रॉब्लम रहती है, पेट संबंधित प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी बनी रहती है, पेट साफ़ नहीं होता अच्छे से, तो फिर आप एक ढक्कन दिन में तीन बार लीजिए या 10 ml दिन में तीन बार लीजिए। अगर आप बड़े हैं, बच्चों को देना चाहते हैं, तो 5 ml दिन में तीन बार दीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, यूज़ करने से पहले थोड़ा सा इसको हिला ज़रूर लीजिएगा जिससे मेडिसिन अच्छे से मिल जाए। अब चलते हैं लास्ट में मैं अपने ओपिनियन की तरफ। सबसे पहले अगर आपको गैस बहुत ज़्यादा बनती है और दिन भर गैस बनती रहती है तो एक ढक्कन सुबह सुबह डाइजेस्टर टॉनिक पीने के बाद आपको गैस नहीं बनेगा और दिन भर आपका अच्छा जाएगा, दिन बहुत ही बढ़िया जाएगा। तो इसको आप पी लीजिएगा एक ढक्कन सुबह सुबह। इसके अलावा अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है, भूख अच्छे से नहीं लगती है, बाउल डिस्टर्बेंस है, मतलब कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, कभी कभी आपको लूज़ मोशंस वगैरह भी हो जाते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, आईबीएस वगैरह की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और भी होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसके साथ आप ये सिरप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपने नक्स वोमिका 30 ली या आपने ब्रायोनिया 30 ली या कोई भी सिम्टोमेटिक मेडिसिन ली, उसके साथ भी आप डाइजेस्टर टॉनिक यूज़ कर सकते हैं, डाइजेस्टो टॉनिक भी यूज़ कर सकते हैं और डाइजेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे लास्ट में मैं इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ। तो ये 100 रुपये का आता है और सभी होम्योपैथिक शॉप में मिलेगा और 100 ml का ही ये आता है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आगे से कभी भी आपको डाइजेशन की समस्या होगी, इनडाइजेशन की समस्या होगी, पेट संबंधित समस्या होगी, गैस की समस्या होगी, एसिडिटी की समस्या होगी, या पेट अच्छे से साफ़ नहीं होगा, या पार्टी शार्टी के बाद आपका पेट फूल गया होगा, तो ये तीनों टॉनिक का उपयोग आप करेंगे। इन तीनों टॉनिक में कोई भी एक टॉनिक का उपयोग करिए, तीनों बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए मैंने 1, 2, 3 नहीं बताया है क्योंकि लगभग तीनों सेम हैं, तो कोई भी आपको मिल जाती है, चाहे आपको डाइजेक्स मिल जाए, चाहे डाइजेस्टो मिल जाए या डाइजेस्टर मिल जाए, तो आप यूज़ करिए। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो डाइजेस्टर आपके लिए सबसे बेस्ट है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई, तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।